योगी और मोदी सरकार पर जयंत ने साधा निशाना। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को फेल बताते हुए सवाल किया कि सरकारों ने देश प्रदेश के लिए अब तक क्या किया है। देश भर में नोटों की हो रही किल्लत पर उन्होंने कहा कि यह RBI का बड़ा फेलियर है। वे हाथरस में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने नोट की किल्लत के मुद्दे पर कहा कि नोटबंदी की यादें फिर ताजा हो चली हैं। यह सरकार और RBI का फेलियर है, मिसमैनेजमेंट है और इसकी जांच होनी चाहिए। आगामी चुनाव में गठजोड़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अजीत सिंह ने उपचुनाव में सपा के पक्ष में मतदान करने का ऐलान किया था, उसके परिणाम भी अच्छे आए, लेकिन उन्होंने ऐसे एक प्रयोग बताया और कहा कि यह गठजोड़ नहीं। उन्होंने कहा कि गठजोड़ का प्रयास रहेगा, मानो यह देश की आवश्यकता और समाज की पुकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो तानाशाही और अहंकार है उससे संगीन अपराधों को पल्ला झाड़ने का काम किया है। उससे भी बहुत दुखी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि अपने लड़कों को सुधारने की बात कही तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा करने की अनुमति क्या प्रधानमंत्री से लेनी होगी। लिहाज में विशेष तौर से हमें तो पता लग पाता है शहरों का, एक अर्बन बायस भी है। देखिए मीडिया रिपोर्टिंग भी, आप लोग भी वहीं तक पहुंच पाते हो, तो आप उन शहरों को तो कवर कर रहे हो, लेकिन देहात में जहां 20-20 गांव में, 15-15 गांव में दूर दूर तक जो है 30-30, 40-40 किलोमीटर पे एक ही अगर बैंक है। और SBI की तरफ से हम देखते हैं बयान आ जाता है कि सब ठीक है, सामान्य है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि तो हम अनुमान नहीं कर पाए। अनुमान लगाना किसकी जिम्मेदारी? अनुमान लगाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये फेलियर है, मिसमैनेजमेंट है, RBI का भी फेलियर है। और लोगों को वह जो यादें अच्छी नहीं थी किसी के लिए भी, वही यादें जो है ताज़ा हुई, कोशिशें हो रही हैं। और अभी जो दो चुनाव हुए गोरखपुर और भोपाल में, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ जमीन पर काम किया और समर्थन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ सभाओं को उन्होंने संबोधित करने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि हमारे सब लोग चौसा को मानने वाले लोग वहाँ मतदान करें पक्ष में समाजवादी पार्टी के। तो निषाद पार्टी वहाँ उम्मीदवार थी और पीस पार्टी और PSP और सपा और हम लोग सब लोग मिलकर लड़े, तो एक अच्छे परिणाम भी आए हैं। लेकिन इसे भी आप एक प्रयोग कहें, ये भी गठजोड़, लेकिन हम सबका प्रयास रहेगा। देश की आवश्यकता है, समाज की पुकार है। ये जो तानाशाही है, जो भाजपा का अहंकार है, जिस तरह से कठुआ और उन्नाव के इतने संगीन अपराधों में भी जो है आपने पल्ला झाड़ने का काम किया, बहुत दुखी हूँ। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो लंदन में, एक तरफ तो आप मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि रेप से बड़ा कोई अपराध नहीं है, ये भी आप हिदायत ठीक दे रहे हैं कि लड़कों को भी सुधारने की आवश्यकता, लेकिन फिर ये जोड़ने की क्या बात थी कि राजनीति ना हो। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या BJP के नेता, क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री ये नहीं सोचते कि महिला सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या इसकी चर्चा करने की अनुमति भी हमें प्रधानमंत्री से लेनी पड़ेगी? बहुत मैं उस बयान की आलोचना करता हूँ। आप निंदा कीजिए, आप कड़े कदम लीजिए, आप कड़ी सजा दीजिए, लेकिन अगर BJP की मंत्री ऐसे प्रोसेशन में शामिल होंगे जिसमें भारतीय ध्वज को लेकर लोग चलेंगे और वकील पढ़े लिखे लोग पुलिस को चार्जशीट फ्रेम करने से जो रोकेंगे, और BJP के प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी TV स्टूडियो पे कहेंगे अरे आप वहां कहां थे जब आसाम में हुआ, हर चीज में आप ये मत कहिए और उन पे इल्जाम मत लगेगा कि आप कब थे, जब वो घटना हुई थी तब आप चुप थे। तुलना नहीं की जा सकती, जिसके साथ अपराध हुआ उसके लिए इससे बुरी चीज हो नहीं सकती। तो ये अमानवीय इनका जो रवैया रहा है, ये कुछ नहीं अहंकार है, पल्ला झाड़ने का काम उनकी कोशिशें नहीं है, पूरी तरह से फेल है, योगी फेल है। UP में मॉब होता है ना, मॉब को जो अच्छा लगता है लोग बोलना शुरू करते हैं। चार साल से आपने क्या किया? क्या रेप की घटना जो अपराध हैं घट रहे हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध घट रहे हैं आपके राज्य में? जो आपने रोमियो स्क्वाड बनाया था उसका कोई नतीजा निकला? जो आप एनकाउंटर कर रहे हो, आप दावा कर रहे हो कि जो जितने अपराधी हैं वो खुद जेल में जो है सरेंडर हो रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, तो अपराध क्यों नहीं घट रहे? आप हर मोर्चे पे विफल हैं। अब आप कह दीजिए कि मौत होनी चाहिए, सजा है मौत। क्या योगी जी ने आंकड़े देखे? कन्विक्शन रेट इतना लो क्यों है? कन्विक्शन रेट इसलिए लो है कि आपकी जो पुलिस है, जो पुलिस फोर्स है, वो एविडेंस इकट्ठा नहीं कर रही। आज भी वह एक पॉलिटिकल फोर्स है जिसका मिसयूज होता है। आज भी वह एक भ्रष्ट फोर्स है
जो सिर्फ जो है नोट पे चल रही है, ये असलियत है। पहले आप उसको सुधारिए। कानून तो कड़े, आज भी कड़ा कानून है। जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद कड़ा कानून बन गया, लेकिन कन्विक्शन रेट में सुधार क्यों नहीं हुआ?